नमस्कार मित्रों, मैं विनय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं एक कहानी पे डिस्कस करूँगा। ये कहानी हमारी संस्कृत के बुक में थी, जब हम 6वीं या 7वीं किसी क्लास में पढ़ रहे थे तो संस्कृत के बुक में दी हुई थी। वो कहानी हमें याद है और वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने व्याकरण पढ़ा हुआ था और वेदों का ज्ञान था उनको। वो यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करते करते एक नदी पड़ती है, तो नदी पे नाव वाले को वो नदी पार कराने के लिए नाव पे बैठ जाते हैं और जो नाव वाला रहता है वो नाव चलाते हुए जाता रहता है। तो जब नदी के बीच में नाव चली जाती है तो पंडित जी उसे हाल चाल कर रहे होते हैं, तो पूछते हैं कि हे नाविक, तुमने पढ़ाई क्या किया है? तो वो बोलता है कि साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ, यहीं नौका चलाता हूँ और इसी से जो पैसा मिलता है उससे मेरा रोजी रोजगार चलता है। तो पंडित जी कहते हैं कि आपका तो जी अपने आपने तो मनुष्य जीवन निरर्थक कर लिया, आपका तो जीवन ही चौपट हो गया। आपने संस्कृत नहीं पढ़ा, आपने व्याकरण नहीं पढ़े, आपने वेद का ज्ञान नहीं लिया, तो आपका जीवन जो है वो चौपट हो गया, आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है। तो वो कहता है कि महाराज, हमें जानकारी ही नहीं थी, हमारे माँ बाप इतने काबिल ही नहीं थे कि हमको पढ़ाएं, लेकिन ये नौका चलाना हमने सीख लिया है तो इससे हमारा जीवन यापन हो जाता है। खैर, कोई बात नहीं है। तो नाव ऐसे ही बातचीत करते हुए बीच नदी में पहुंच जाती है तो वहाँ पे तूफान आ जाता है, लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं और नाव ऐसा लगता है कि अब पलट जाएगी। तब जो नाविक रहता है वो कहता है कि अरे पंडित जी, आपने व्याकरण तो पढ़े हैं, आपको तैरना भी आता है कि नहीं आता है? तो पंडित जी बोलते हैं कि अरे नहीं, मेरे को तो तैरना नहीं आता है। तो कहते हैं कि तब आपका जीवन व्यर्थ है, कि अगर आपको तैरना नहीं आता है तो इस कंडीशन में आप तैर नहीं पाओगे तो आपका जीवन व्यर्थ है, आप जी नहीं पाओगे। नौका पलट जाती है, नाविक नदी तैर के पार हो जाता है और वो पंडित जी वहीं पे पानी में डूब जाते हैं, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता है तो डूब जाते हैं। तो इस कहानी से, बड़ी ही प्यारी कहानी है, और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है। आज के ज़माने में पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ स्किल्स सीखने चाहिए, कुछ गुण भी होने चाहिए जिससे किसी कठिन परिस्थिति में अपने जीवन की रक्षा कर सकें, अपने जीवन का पालन कर सकें। ऐसे स्किल को हमें बढ़ावा देना चाहिए। आजकल के जो स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है वो वही पैटर्न पे चल रही है कि विषय पढ़े जाएँ, सब्जेक्ट पढ़े जाएँ, मैथ पढ़ी जाए, सब पढ़ लिया जाए। इनको हमें प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारना चाहिए, अपने जीवन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए और अपनी शिक्षा व्यवस्था को ऐसी बनानी चाहिए। हमें कुछ न कुछ ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर सकें, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो ये कहानी चूँकि बड़ी प्रिय थी, बड़ी अच्छी लगी, हमें याद आ गई तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको अच्छी लगी हो तो हमें बताइएगा ज़रूर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है, और लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो तो, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम आपको फिर मिलेंगे और आपसे अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।